हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट करते हैं, आपके प्रीवियस एग्जाम में कई बार सारे प्रश्न रिपीट कर चुके हैं दोस्तों, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में किस तरह के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों, जैसे प्रश्न हम लोगों को सामने दिया गया है यानी शराब, शराब अंगूर से संबंधित है। ठीक उसी प्रकार से जो भिस्की है ना, ये भिस्की प्रश्नवाचक के चिन्ह पर ये चार ऑप्शन में से कौन सा भरा जाएगा। और प्रश्न दिया है यानी 600 अनुपात 2000 समानुपात यानी 9000 और ये प्रश्नवाचक के चिन्ह पर ये चार ऑप्शन में से कौन सा भरा जाएगा। और प्रश्न दिया है यानी एक से जेड जी यानी अनुपात सी ए टी समानुपात डी ओ जी ए प्रश्नवाचक के चिन्ह पर ये चार ऑप्शन में से कौन सा भरा जाएगा। दोस्तों इन सारे प्रश्न का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए कि शराब अनुपात आपको अंगूर दिया, ठीक समानुपात विस्की और प्रश्नवाचक के चिन्ह पर ये चार ऑप्शन में से कौन सा भरा जाएगा। तो देखिए इस तरह के प्रश्न में क्या होता है, इस तरह के प्रश्न में आपको क्या करते हैं, यहाँ पर देखते हैं कि जो शराब है ना वो अंगूर से किस प्रकार संबंधित है, ठीक उसी प्रकार से जो विस्की है ना ये प्रश्नवाचक चिन्ह पर संबंधित को रखेंगे। तो देखिए शराब जो है वो किससे बनता है, शराब किससे बनता है, तो शराब आपको कह दिया, देखिए जो अंगूर का रस है ना यानी अंगूर के रस के फर्मेंटन क्या करते हैं यानी फर्मेमेंशन यानी फर्मेमेंट यानी टेंशन होता है। ठीक क्या होता है, यहाँ पर देखिए लिख देते हैं क्या हो गया, यहाँ पर जो अंगूर का रस है ना, अंगूर के रस यानी यहाँ पर लिखते हैं रस, ठीक रस के यानी रस के आपको यहाँ पर फर यानी फर्मेन यानी फर्मेंटेंशन फर्मेंटेंशन होता है, यहाँ पर होता है लिख देते हैं। ठीक देखिए यानी बनता है, यहाँ पर हो गया बनता है यानी होता नहीं है बनता है। ठीक तो देखिए जो आपका अंगूर का रस के फर्मेंटेशन यानी फर्मेंटेशन बनता है, तो यानी अंगूर के रस ले क्या बनता है आपको शराब बनता है। ठीक उसी प्रकार से ये प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी ऑप्शन चार ऑप्शन में से रखेंगे कि जो भिस्की बनता है, क्या बनता है भिस्की बनता है। देखिए आपको क्या हो गया, यहाँ पर क्या रखेंगे, यहाँ पर आपको क्या रखेंगे जई रखेंगे, क्या रखेंगे जई रखेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा जई, क्या हो गया जई हो जाएगा। देखिए यानी जई से क्या बनता है, जई यानी जई के रस यानी जई के रस के यानी फर्मेंटेशन यानी फर्मेंटेशन बनता है, ठीक बनता है यानी जई के रस ले फर्मेंटेशन से आपको क्या बनता है भिस्की बनता है। तो देखेंगे कि जई किस ऑप्शन में दिया है यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए कि 600 यानी 600 अनुपात आपको 2000 दिया है, ठीक उसी तरह से आपको यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह पर 900 से यानी प्रश्नवाचक चिन्ह पर किस यानी चार ऑप्शन में से कौन सा भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर देखेंगे ना कि 600 यानी 600 किस प्रकार से लिखा है और यहाँ पर आपको 2000 किस प्रकार से लिखा है। देखिए यहाँ पर 600 तो 6 को क्या करेंगे, आखिर 6 को क्या करते हैं कि 600 हो जाएगा। देखिए 2 हो गया, देखिए यहाँ पर 200 में क्या करेंगे 3 से गुना कर लेंगे। ये संबंधित आपको नहीं दिया है, क्या दिया है आपको ये संबंधित नहीं दिया है। अगर इसमें मान लीजिए 6 में कितने सम गुना करेंगे 2000 का, यानी संबंधित नहीं है ये आपका, चारों अलग अलग है। ठीक देखिए उसी प्रकार से हमको तो आपको अच्छे तरीके से हम दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर 600 तो 200 में 3 से गुना कर लेते हैं यानी 3 गुना का 6 कितना हो गया 600 हो गया। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर 200 यानी 2000 दिए ना, तो 2000 को क्या करेंगे यानी 2000 में यहाँ पर 2 हो गया। ठीक देखिए 200 में क्या करेंगे 10 ले गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा आपको, कितना हो गया 2000 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर 9 दिया है, कितना दिया है 9, तो 9 में क्या करेंगे यहाँ पर 9 हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पर 9 हो गया। ठीक 900 यहाँ पर 900 रख लेते हैं, 900 में क्या करेंगे 10 ले गुना कर लेते हैं, जब 900 में 10 ले गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर आपको 9000 हो जाएगा, कितना हो गया 9000 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या रखेंगे, लेकिन आपको ध्यान देना है, देखिए यहाँ पर 2 से गुना किया है तो 200 200 दोनों है, लेकिन यहाँ पर 3 से गुना किया है, यहाँ पर 10 ले गुना किए हैं। ठीक उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर भी आपको दिया है, यहाँ पर दिया ना कि 900 कितना है 900 900 10 ले गुना किए, तो यहाँ पर क्या बचा है यानी 900 को हम क्या करेंगे 3 से गुना कर लेंगे, 900 में क्या करेंगे 3 से गुना कर लेंगे, तो 900 को कितना हो जाएगा यहाँ पर
36 हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पर 36 हो जाएगा, कितना हो गया 3600, तो कितना हो जाएगा 3600, तो 3600 देखेंगे कि किस ऑप्शन में दिया है, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह पर कितना हो जाएगा 3600, तो 3600 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका, ऑप्शन नंबर आपका 20 सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि एक्स जेड जी यानी संबंधित है आपको सी ए टी से, ठीक उसी प्रकार से डी ओ जी यानी डी ओ जी का संबंध यानी प्रश्नवाचक चिन्ह पर ये चार ऑप्शन में से कौन सा संबंधित है। तो देखिए यहाँ पर देखेंगे कि आपको जो एक्स जेड जी लिखा है ना वो आपको सी ए टी किस प्रकार से लिखा है, तो देखिए एक्स हो गया फिर उसके बाद में जेड हो गया और उसके बाद में जी हो गया, ये किस प्रकार लिखा है, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है सी लिखा है, सी के बाद में ए और टी दिया है। देखिए एक्स एक्स के बाद में क्या होता है एक्स जेड और जी ये किस प्रकार लिखा है, तो देखिए ये आपको विपरीत लिखा है, क्या लिखा है ये आपको विपरीत लिखा है, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या देखेंगे जी जी का विपरीत क्या होता है, जी का विपरीत क्या होगा, तो जी का विपरीत आपको टी होगा, क्योंकि देखिए जी आपको इधर से कितने पाता है 700, अगर ये फिर इधर से देखेंगे आपको उल्टा उल्टा देखेंगे तो जेड जेड के बाद में क्या होता है यहाँ पर क्या होगा, देखिए तो जेड हो गया, तो जेड के बाद में अगर उल्टा रखिएगा तो जेड हो गया, कितना हो गया यहाँ पर विपरीत लिखा है, क्या लिखा है विपरीत लिखा है, यहाँ पर कितना हो गया टी टी हो जाएगा। तो देखिए एक्स यानी जेड वाई इस तरह से लिखेंगे तो सातवें स्थान पर क्या होगा टी आ जाएगा, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर जेड लिखा है, जेड का उल्टा क्या होता है, जेड का उल्टा आपको ए होता है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर एक्स एक्स का आपको उल्टा यानी विपरीत क्या होता है आपको सी होता है, ये क्या लिखा है विपरीत लिखा है, यहाँ पर क्या होगा ये विपरीत हो जाएगा, क्या होगा ये विपरीत लिखा है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर आपको डी ओ जी को लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर आपको देख लीजिए यहाँ पर दिया है डी फिर उसके बाद में ओ और यहाँ पर जी लिखा है, इसको क्या करेंगे इसको भी हम विपरीत लिखेंगे, देखिए डी डी का विपरीत क्या होता है यहाँ पर हम लिख लेंगे डी डी का विपरीत क्या होगा, तो डी डी के बाद में क्या होता है देखिए यहाँ से डी चार यानी चार चौथा स्थान पता है, ठीक अगर इसी को हम विपरीत देखेंगे तो जेड वाई एक्स डब्ल्यू चौथा स्थान पर क्या आ रहा है डब्ल्यू आ रहा है, तो ठीक डब्ल्यू लिखेंगे, ओ ओ को देखेंगे विपरीत स्थान क्या दिया है, देखिए ओ ओ कितने पता है वो कितने पता है 15 पर, लेकिन 15 पर और इसका विपरीत क्या हो जाएगा एल हो जाएगा, विपरीत क्या हो गया एल हो जाएगा, और उसी तरीके से जी जी का विपरीत आपको क्या हो जाएगा यहाँ पर लिखा है टी लिखा है, क्या लिखा है टी लिखा है, ये क्या हो गया ये भी आपको विपरीत हो गया, ये आपको विपरीत हो जाएगा, ठीक तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया कि यहाँ पर क्या लिखेगा यानी डब्ल्यू एल टी क्या लिखेगा डब्ल्यू एल टी, तो डब्ल्यू एल टी देखेंगे कि किस ऑप्शन में दिया है, यानी डब्ल्यू एल टी यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों चार नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित में से यानी बेमेल को चुन यानी छाटिए, क्या छाटना है आपको विषम को छाटना है, यहाँ पर क्या लिखा है यानी बेमेल दिया है, यानी इसका मतलब कि आपको क्या करना है विषम को आपको छाटना है, किसको विषम को, देखिए ये चार ऑप्शन दिया है, ठीक ये चार ऑप्शन में से कौन सा आपका एक विषम दिख रहा है या तीन आपको एक समान दिख रहा है, यहाँ पर क्या करेंगे यहाँ पर देखेंगे कि आपको ये किस तरह से आपको श्रृंखला चल रहा है, देखिए यहाँ पर क्या दिए यहाँ पर आपको देखेंगे ना कि यहाँ पर पहला में क्या दिया देखिए यहाँ पर गोला दिया है, ठीक गोला में एक पाई नीचे दिया है और तीन पाई ऊपर दिया है, ठीक उसी तरीके से देखिए दूसरा में देखेंगे दूसरा में आपको क्या दिए दूसरा में थोड़ा सा एक बार घड़ी की दिशा में पलट दिया, क्या किया घड़ी की दिशा में यानी इधर से इधर घुमा है, ठीक घूमने के बाद में क्या किया कि यहाँ पर भी एक है और यहाँ पर भी तीन है और यहाँ से दोनों दे दिया है, ठीक इसको हम नहीं लेंगे क्योंकि दोनों तरफ से घेरा है, आपको इसको नहीं लेंगे क्या लेंगे आपको चिन्ह लेंगे, क्या करेंगे चिन्ह लेंगे, ठीक मान लीजिए क्या हो गया जीरो में यानी गोला में आपको तीन दिया है, ठीक उसी तरीके से एक बार और घड़ी में दिशा में घुमाया है, जब एक बार और घुमाया तो देखिए ये भी आपको तीनों एक समान दिख रहा है, क्या हो गया देखिए ई भी आपको ई भी ये आपको ई भी तीनों क्या दिख रहा है एक समान हो गया, ठीक लेकिन आपको चौथा में देखिए यहाँ पर क्या दिया है यहाँ पर आपको यहाँ से एक होना चाहिए लेकिन तीन इधर दिया है और तीन आपको इधर दिया है, यानी तीनों से विषम कौन सा दिख रहा है यानी तीनों से विषम आपको चार ऑप्शन दिख रहा है, क्योंकि आपको तीन एक समान है और ये आपको विषम हो जाएगा, तो आपसे पूछा क्या है विषम ही पूछा है यानी बेलेम को चुनना है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पांच नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे के श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, देखिए यहाँ पर नीचे क्या देख रहा है श्रृंखला दिया है, ये श्रृंखला के
इस श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह पर ये चार ऑप्शन में से कौन सा भरा जाएगा, देखेंगे कि श्रृंखला किस तरह से चल रहा है। देखिए क्या हो रहा है, तीन, तीन से क्या हो रहा है छः, छः से क्या हो रहा है अठारह, अठारह से बहत्तर, बहत्तर से 360 और 360 से प्रश्नवाचक चिन्ह पर रखेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर कितना लिखा है, तीन लिखा है, फिर उसके बाद में छः लिखा है, फिर उसके बाद में अठारह लिखा है, फिर उसके बाद में बहत्तर लिखा है, फिर उसके बाद में 360 लिखा है। देखिए क्या हुआ है इसमें, इसमें किस तरह से श्रृंखला चल रहा है, तीन से क्या हो रहा है छः हो रहा है, इसमें क्या किया है तीन दुना का छः तो दो से गुना किया है, और देखिए छः, छः से क्या हो रहा है अठारह, तो छः में तीन से गुना कर लेंगे तो अठारह आ जाएगा, और अठारह में क्या किया है अठारह सौ के बहत्तर यानी अठारह में चार से गुना किया है तो आपको बहत्तर लिखा है। ठीक, अगर उसी प्रकार से देखेंगे कि आपको कितना दिया है बहत्तर, बहत्तर में क्या करेंगे पाँच ले गुना कर लेंगे, जब बहत्तर में पाँच ले गुना करेंगे ना तो आपको 36 आ जाएगा यानी 360 आ जाएगा। अगर उसी तरीका से क्या आ गया, देखिए यहाँ से दो से गुना किया, तीन से गुना किया, चार से गुना, पाँच ले गुना, तो यहाँ पर क्या करेंगे छः से गुना कर लेंगे, जब आपको 360 में छः से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा यानी 2160, कितना आ जाएगा 2160, तो प्रश्नवाचक चिन्ह पर कितना हो जाएगा 2160 हो जाएगा। तो 2160 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों छह नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित शब्दों का यानी तर्कपूर्ण क्रम निर्धारित करें और सही उत्तर का चयन करें। देखिए यहाँ पर क्या दिया है आपको, आपको यहाँ पर पांच दिया है, क्या दिया देखिए, एक में सौर मंडल दिया है, दूसरा में आकाश गंगा दिया है, तीसरा में आपको ग्रह दिया है, और चौथा में आपको उपग्रह दिया है, और पांचवा में तारा दिया है। इसको क्या बोल रहा है, तर्कपूर्ण, तर्कपूर्ण क्रम निर्धारित करें और सही उत्तर का चयन करें, यानी तर्क यानी इसका मतलब कि ऊपर नीचे फिर ऊपर फिर यानी एक से लेके जैसे आपको बढ़ा जाता है उस तरीके से, ये चारों यानी पांचों को देखने के बाद में किस तरह से दिख रहा है। देखिए सौरमंडल दिख रहा है, आकाश गंगा दिख रहा है, ग्रह दिख रहा है, उपग्रह, तारा, ये सब क्या है, ये सबका सब सौरमंडल का भाग है, क्या है सौर, सब ये आपको सौरमंडल का दिख रहा है। देखिए तो इस तरह के प्रश्न में क्या होता है, इस तरह के प्रश्न में आपको क्या पूछा है कि तर्क पूर्ण पूछा है और क्रम पूछा है। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आपको सबसे पहले देखेंगे, सबसे पहले इसमें कौन आएगा, तो सबसे पहले आपको उपग्रह आएगा, देखिए सबसे छोटा कौन सा है उपग्रह है, तो यहाँ पर क्या आएगा चार आएगा, फिर उससे बड़ा कौन है यानी उपग्रह से बड़ा कौन है, उपग्रह से बड़ा कौन है तो ग्रह है, उपग्रह से कौन बड़ा है तो ग्रह है, तो यहाँ पर आपको ग्रह रख लेंगे, फिर ग्रह से बड़ा कौन सा है, ग्रह से बड़ा कौन सा है तारा है, कौन है तारा है, सबसे कौन हो गया तारा हो जाएगा। ठीक, लेकिन उससे बड़ा कौन है, उससे बड़ा आपको देखेंगे कौन है आकाश गंगा है, उससे बड़ा कौन है आकाश गंगा, तो आकाश गंगा आपको दो में दिया है, लेकिन सबसे बड़ा कौन सा है सौरमंडल है, कौन सा है सौरमंडल है, यानी सौरमंडल के अंदर ये आपको सब आ गया, यानी पहले क्या हो जाएगा आपको उपग्रह हो जाएगा, फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा ग्रह हो जाएगा, फिर उसके बाद में तारा हो जाएगा, फिर उसके बाद में यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा आकाश गंगा, फिर उसके बाद में ग्रह हो जाएगा, क्या हो जाएगा सौरमंडल हो जाएगा। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि तर्क पूर्ण क्रम निर्धारित करें, तो सबसे देखिए चार तीन पाँच दो एक देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी 43521 यानी ऑप्शन नंबर बी में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों सात नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन सा आरेख डॉक्टर पुरुष तथा अभिनेता को प्रदर्शित करता है। देखिए ये चार ऑप्शन में से आपको कौन सा वेन आरेख बनेगा जो कि डॉक्टर पुरुष और अभिनेता को प्रदर्शित करता है। तो देखिए यहाँ पर क्या देखेंगे, यहाँ पर आपको सबसे पहले देखेंगे इसमें कौन सा कॉमन दिख रहा है, ये डॉक्टर हो गया, यहाँ पर पुरुष हो गया, यहाँ पर अभिनेता हो गया। ठीक, तो यहाँ पर क्या रखेंगे, सबसे पहले यहाँ पर आपको रखते हैं, देखिए क्या रखेंगे पुरुष को रखेंगे, किसको रखेंगे पुरुष को, तो मान लीजिए ये बड़ा वाला क्या हो गया, यहाँ पर पी रख लेते हैं, ये पुरुष हो गया, क्या हो गया पुरुष हो गया, पुरुष जो है ना वो अभिनेता भी है, मान लीजिए पुरुष जो है वो क्या है अभिनेता है, इसको यहाँ पर अभिनेता रख लेंगे, इसको ब्लैक से लिखते हैं, देखिए ये क्या हो गया अभिनेता, यहाँ से ए लिख लेते हैं, ठीक ये अभिनेता हो गया, जो पुरुष के अंदर अभिनेता आता है, पुरुष के अंदर क्या आता है अभिनेता आते हैं, लेकिन इसके बाद में क्या होता है डॉक्टर, इसके बाद में क्या दिया है डॉक्टर, यानी जो आपको डॉक्टर हो गया। देखिए यहाँ से इस प्रकार से बनाएंगे इसको,
क्योंकि देखिए यहाँ पर डॉक्टर दिया है तो डी लिख लेंगे, क्या लिखेंगे डी। देखिए किस तरह से बिना रेख बना, यानी सबसे पहले पुरुष हो गया, पुरुष हो गया तो यहाँ पर पुरुष हो गया रेड वाला। पुरुष के अंदर में क्या होता है अभिनेता, यानी ब्लैक वाला आपको अभिनेता होता है, लेकिन जो आपका पुरुष और अभिनेता है ना वो डॉक्टर भी हो सकता है, क्या हो सकता है डॉक्टर। जो डॉक्टर है ना डॉक्टर, डॉक्टर आपको पुरुष भी होते हैं अभिनेता भी होते हैं। यानी इस तरह का जो वेन आरेखा है ना वो किस ऑप्शन में बना है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक कक्षा में रंजीत का स्थान ऊपर से 7वां तथा नीचे से 97वां है, उस कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। इसमें आपसे पूछा क्या है, विद्यार्थी पूछा है, यानी कुल विद्यार्थी कितने हैं। इस तरह का प्रश्न में क्या होता है, यानी यहाँ पर आपको क्या रखेंगे, सर टोटल कुल कितना दिया है, देखिए नीचे से कितना दिया है, तो नीचे से आपको 57 दिया है, कितना दिया है 57। फिर उसके बाद में प्लस करेंगे, क्या करेंगे प्लस करेंगे, क्योंकि आपको कुल संख्या पूछा है, आपको ऊपर या नीचे वाली संख्या नहीं पूछा है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया, पलकू यानी नीचे से 97वां है और ऊपर से क्या है 7वां है, कि दोनों को क्या करेंगे जोड़ लेंगे और जोड़ को माइनस 1 कर देंगे। ये जोड़ो यानी सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 64 हो जाएगा, और 64 में क्या करेंगे ये घटा लेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर 63 बचेगा, कितना बचेगा 63 बचेगा। लेकिन पूछा क्या है, यानी उस कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो कुल विद्यार्थी कितने हैं 63 हैं, कितने हैं 63 हैं, तो 63 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9वां प्रश्न है, इसमें देख कि निम्नलिखित में से यानी बेमेल यानी बेल बेमेल को ज्ञात कीजिए। यहाँ पर क्या लिखा है बेमेल, यानी इसका मतलब है कि 4 ऑप्शन में से 3 एक समान है और एक आपको अलग है, क्या है आपको विषम दिख रहा है, ठीक उसी को बताना है कि 4 ऑप्शन में से कौन सा एक विषम है। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, ऑप्शन ए में आपको 32 दिया है, 32 अनुपात कितने दिए 15, दूसरा में 86:42 दिया है, और तीसरा में आपको 56:26 दिया है, और 74:36 दिया है। तो इसमें से हम किस तरह से आपको बनाएंगे कि आपको कौन सा ऑप्शन आपको विषम दिख रहा है। देखिए आपको सबसे हम आपको आसान भाषा में यानी सरल भाषा में आपको दिखाते हैं, तो देखिए इसको ध्यान से देखिए, सबको ध्यान से देखने के बाद में क्या दिख रहा है, एक में पहला को देखेंगे तो कितना दिया है 32, क्या लिखा है 32 लिखा है, 32 लिए 15 जा रहा है, 32 लिए क्या हो रहा है 15, तो इसमें क्या किया है, देखिए इसमें क्या किया है, यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर 15 दिया है, देखिए 15 में 2 से गुना कर लेते हैं और यहाँ पर आपको 2 जोड़ लेते हैं, तो 15 × 2 = 30, यहाँ पर कितना हो गया, क्या हो गया देखिए यहाँ पर 32 आ गया, यानी 15 में 2 से गुना किए हैं और 2 जोड़ दिए हैं तो 32 आ गया। ठीक उसी प्रकार से बी में देखिए 42 लिए क्या हो रहा है 42 × 36 को हमको लाना है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ठीक तो देखिए यहाँ पर आपको हो जाएगा, इसको हम मिटा देते हैं, यहाँ पर क्या होगा देखिए, अब यहाँ पर क्या करेंगे ना,